कार दोस्तों, वेलकम टू टारगेट विद मानवी चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम को लेकर लगातार नोटिस पे नोटिस जारी किए जा रही हैं। आज फिर अभी अभी एक नोटिस जारी की गई है 21 अगस्त 2021 को। आप देख सकते हैं एक नोटिस अभी अभी जारी की गई, इसमें क्या सूचना दी गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले आपका एग्ज़ाम 20 अगस्त को था, फिर आपका एग्ज़ाम 24 अगस्त को कर दिया गया। इस नोटिस में क्या दिया गया है, पूरी जानकारी आपको इस नोटिस से मिलने वाली है। तो इस नोटिस को ज़रूर देखें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम कहीं छूट ना जाए और अब एग्जाम हो, ये पूरी डिटेल इस वीडियो में दी जाएगी। तो यहाँ पे एक नोटिस जारी की गई, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकल भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ से ये जारी की गई। यहाँ पे दिनांक 21 अगस्त, मतलब कि आज की नोटिस है। तो इस नोटिस में अभी अभी क्या नोटिस में जारी किया गया, आप लोग देख सकते हैं। सेंटर चेंज किए गए हैं, सेंटर चेंज किए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भगत का चेंज किया गया है, आप देख सकते हैं आगरा का, औरैया का, लखीमपुर खीरी का, इन सभी सेंटर चेंज किए गए हैं। तो आप लोग को कैसे क्या करना, आप लोग अपना एडमिट कार्ड फिर से डाउनलोड कर लें, क्योंकि सेंटर चेंज कर दिए गए हैं। तो आगरा का, औरैया का, लखीमपुर खीरी का, अमरोहा का, मुजफ्फरपुर नगर, अमेठी और यहाँ पे गाजीपुर, आजमगढ़ और हमीरपुर, इन सभी के सेंटर चेंज कर दिए गए हैं। और यहाँ पे एक और आगे अपडेट देने वाले हैं यहाँ पे, कि आपको जाना है तो सेंटर पे क्या क्या चीज़ लेकर जानी। आपका एग्ज़ाम उसी डेट को है, 24 अगस्त को ही है। तो आप लोग सभी लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें फिर से, जिसका सेंटर चेंज हुआ है। और इस नोटिस को अगर डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यूपी ट्रिपल एससी की डाउनलोड कर सकते हैं और अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पे क्या क्या लेकर जानी है, क्या वैक्सीन लगना ज़रूरी है, तो पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आपके पास वैक्सीन आप लगवा चुके हैं तो आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो आप ले जाएंगे, जिसके नहीं लगी है तो कोई बात नहीं। वहाँ पे आपको क्या मास्क लेकर जाना ज़रूरी है, कंपलसरी है, सैनिटाइज होना चाहिए, 2 फोटो होने चाहिए आपके पास, आधार कार्ड होना चाहिए और ब्लैक पेन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और जो फ़ोटो हों वो दोनों एक ही कलर के होने चाहिए, मतलब कि एक ही जैसे होने चाहिए, ये नहीं कि इस एक प्रेजेंट टाइम का और एक दूसरे टाइप का, ये नहीं होगा। तो आप लोगों के पास ये चीज़ें ले जाना बहुत कंपलसरी हैं। तो आप लोग देख लें, जिसका सेंटर चेंज हुआ वो सभी लोग देख लें लगातार। और आप लोगों ने ये भी एक नोटिस मिली होगी कि आपका जो पेपर ट्रिपल एससी का हुआ था वो लीक हो चुका था, तो उसमें जिसने लीक कराया था वो सभी लोग पकड़े जा चुके हैं। तो आप लोग तैयारी में लगे रहें, क्योंकि बस 2 दिन बचे हैं, 2 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम है। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को लिए, आप सभी लोग तैयारी करते रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।